ये एटीएम कार्ड है ये, देख रहे हो आप, मतलब इस पे कोई नंबर नंबर कुछ नहीं लिखा, ये दूध की तरह चिट्टा है और दूध इससे निकलता है, दूध के एटीएम कार्ड है ये। सेंसर दबाया, दूध आ गया, कार्ड दबाया और ये दूध आप देख सकते हो एटीएम से जो है मिल्क एटीएम से दूध निकलता हुआ देख रहे हो आप अपनी स्क्रीन पर, और ये एक लीटर दूध जो है मैंने एटीएम से निकाला। कि सुबह के 6 या 7 बजे यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, हाँ इस दूध के एटीएम में इतनी भीड़ होती है, त्रिकुटा नगर का जितना भी इलाका है इस मिल्क एटीएम से दूध लेता है। ये 0-0 है, वेट बिल्कुल 0 है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे जग डालूंगा, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जग डाला, अब इसका वेट जो है 730 ग्राम बता रहा है, बिल्कुल 730 ग्राम है। अब हम ऊपर से दूध डालेंगे, इसके ऊपर वेट जो है, वेट भी साथ साथ में मैच होगा, लेकिन हम इसका वेट जो है वो वेइंग मशीन से भी मैच करेंगे। तो अब हमारे पास एक एटीएम कार्ड, अपने अपने पर्स में आप एक और एटीएम कार्ड रख सकते हो, दूध का एटीएम कार्ड जिसमें आप रिचार्ज कराओगे और जितना मर्जी दूध जो है चाहे, मतलब अब ये आपको टेंशन नहीं है चाय बनानी है, रात के 10 बजे भी आपके घर में मेहमान आ गए ना, कोई चक्कर नहीं, एटीएम कार्ड पड़ा हुआ है, एटीएम कार्ड से जो है आप दूध ले आ सकते हो। वेट आ रहा है 1 kg 26 ग्राम, यानी कि लीटर ही पूरा है, मुझे नहीं पता लीटर और किलो बराबर नहीं होता, थोड़ा सा तो फर्क रहता है और ये ज्यादा ही है, तो ठीक है बढ़िया है, मतलब आप कोई धोखा जो है वो नहीं कर रहे हो, बराबर दे रहे हो। बिल्कुल सर। आज तक आपने एक बैंक का एटीएम सुना होगा, रेलवे स्टेशन पर जाके पानी का एटीएम देखा होगा, लेकिन आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं दूध का एटीएम, जी हाँ मिल्क एटीएम, वो भी हमारे जम्मू में। मैं जब खुद इसको पहली बार देख रहा मैं खुद चौंक गया कि यार दूध का एटीएम वो भी हमारे जम्मू में। इस वक्त मैं त्रिकुटा नगर इलाके में आपको बता दूँ, और BMD बेस्ट इन मिल्क डेडी की तरफ से यहाँ पर एक मिल्क का एटीएम है, यानी कि 24 घंटे दिन हो या रात, सुबह के 12 बजे दोपहर के यार रात के 12 बजे आपको तरोताजा दूध जो है वो मिल जाएगा इस एटीएम में। और ये एटीएम मशीन जो है अब हम चलाकर भी देखेंगे, फिलहाल अगर आप इसको थोड़ा सा आगे से देखें तो यहाँ पर आपको सब कुछ नंबर्स वगैरह जो है वो अवेलेबल मिल जाएगा, 10 रुपये का जो आपको 200 मिलीलीटर, 20 रुपये का 500 मिलीलीटर, 50 का 1 लीटर दूध जो है वो मिल जाएगा। और मेरे सुनने में यहाँ पर ये भी आया कि सुबह के 6 या 7 बजे यहाँ पर इतनी भीड़ होती है, हाँ इस दूध के एटीएम में इतनी भीड़ होती है, त्रिकुटा नगर का जितना भी इलाका है इस मिल्क एटीएम से दूध लेता है। ये जग देख सकते हो आप, इसमें दूध निकलता है, थोड़ा सा पड़ा भी हुआ है, हम और निकालेंगे भी फिलहाल, लेकिन हमें ये मशीन चलानी जो है वो आती नहीं है, तो यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव है BMD के, उनसे बात करते हैं, ये मशीन चलाना सीखते हैं और दूध निकलता हुआ देखने के लिए मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, इसलिए आप भी लास्ट तक वीडियो के बने रहना। और हमारे साथ हैं भैया, क्या नाम है आपका? सुखदेव। सुखदेव जी, ये एटीएम मशीन कब से है जम्मू में, हमें पता ही नहीं है। एक साल हो गया। तो मतलब कोविड के टाइम पे शुरू किया था? कब? कोविड से थोड़ी देर बाद। क्या बात है, और ये कैसे चलती है सिखाओगे हमें? बिल्कुल जी। चलो बताओ सबसे पहले कैसे। आपको दूध चाहिए कि 1 लीटर चाहिए? हमें 1 लीटर दूध। हाँ जी, इसमें ऑप्शन भी बने हुए हैं, त्रोण फिगर में भी लेना वो भी मिल जाएगा। ऑप्शन इसमें बना हुआ, जैसे आपने लीटर लेना है, लीटर इंटर किया मैंने, लीटर क्लिक किया, दोबारा से क्लिक करेंगे, जैसे ये लीटर इंटर किया आ गया 52 का लीटर है, उसके बाद मैंने इंटर किया, ये सेंसर दबाया, दूध आ गया, कार्ड दबाया और ये दूध आप देख सकते हो एटीएम से जो है मिल्क एटीएम से दूध निकलता हुआ देख रहे हो आप अपनी स्क्रीन पर, और ये 1 लीटर दूध जो है मैंने एटीएम से निकाला। और अब ये दूध मैं अपने घर जाकर या जैसे भी है, मैं हम सुबह सुबह क्या होता है ना, आमतौर पर लाग लगाई होती, बंदों ने पांडा लेके या डूंगा लेके जाते हैं हलवाई की दुकान पर, है ना, दूध लेने के लिए। अब जो है मतलब डिजिटल जमाना इतना हो चुका है, हलवाई की जरूरत नहीं है, एटीएम में बटन दबाओ और ये दूध जो है आपको मिल जाएगा। और ये दूध भी मतलब प्योर लग रहा है, एकदम गाढ़ा लग रहा है, और मैं गाढ़ा और प्योर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर जो है भीड़ होती है बहुत ज्यादा सुबह। और भैया ये गाय का ही दूध मिलता है ना? हाँ जी, प्योर गाय का है, बकरी का बीच मिक्स किया? नहीं नहीं, प्योर गाय का दूध है, बिल्कुल। अच्छा, ये सब तो ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। अब ये कार्ड का क्या फंडा है? ये एटीएम कार्ड है, ये देख रहे हो आप, मतलब इस पे कोई नंबर नंबर कुछ नहीं लिखा, ये दूध की तरह चिट्टा है और दूध इससे निकलता है, दूध के एटीएम कार्ड है ये। भैया ये एटीएम कार्ड कहाँ से लेना पड़ेगा, मतलब कैसे? हमारे पास पड़े हुए हैं, जैसे आप हमारे परमानेंट कस्टमर बनते हो, अपने डेली दूध लेना 2 लीटर 4 लीटर, उस हिसाब से जैसे कि पैसे बन गए 5,000-6,000, इसमें आपको रिचार्ज कर देना है। आप सुबह 9:30 से 6:30 रात को 9 बजे तक कभी भी आओ, लेके जाओ, हमसे पूछना नहीं है आपने, आप आओ लेके जाओ, जितना आप दूध लोगे 2 लीटर 3 लीटर इससे पैसे कट जाएंगे आपके अपने आप। बिल्कुल। मतलब यार आज तक मतलब ठीक है, पहले के ज़माने में हम रिचार्ज कराते थे, इंटरनेट उतना यूज़ नहीं हो पाते था, उसके बाद 2-2 GB हमें मिलना शुरू हो गया, हम उसका रिचार्ज कराने लगे। अब हमारे पास एक एटीएम कार्ड, अपने अपने पर्स में आप एक और एटीएम कार्ड रख सकते हो, दूध का एटीएम कार्ड जिसमें आप रिचार्ज कराओगे और जितना मर्जी दूध जो है चाहे, मतलब अब ये आपको टेंशन नहीं है चाय बनानी है, रात के 10 बजे भी आपके घर में मेहमान आ गए ना, कोई चक्कर नहीं, एटीएम कार्ड पड़ा हुआ है, एटीएम कार्ड से जो है आप दूध ले आ सकते हो। अब भैया ने तो दूध निकाल के दिखा दिया, अब मैं भी निकाल के दिखाऊंगा, मैं एक्साइटेड हूँ थोड़ा सा। तो अब 1 लीटर भी मैंने निकाला था, कोई बात नहीं, जग हमारा बहुत बड़ा है, 1 लीटर और निकालेंगे हम। वैसे सबसे पहले मैंने दबाया 50,
हाँ जी ये आ गया 1 लीटर, अब एंटर करना है। एंटर फटाफट इधर सेंसर पे कर, ओके एंटर करो। एंटर किया, बस आ गया। ये दबाया और ये जो है 1 लीटर दूध और निकलना जो है एटीएम से शुरू हो चुका। क्या बात है यार, मैं बहुत ही ज्यादा इंप्रेस्ड हूँ इस चीज से। और भैया मतलब हम आप पे यकीन कैसे कर लेंगे, मतलब ये 1 लीटर ही है, मशीन ने बराबर 1 लीटर दिया हुआ है। तोल सकते हैं आप? ऐसे नहीं, हम नाप के देखेंगे। हम अपनी बकलोल जनता के साथ को तो कहानी करेंगे, ठीक है? नापने का कुछ है ढूंगा ऊंगा, हम जुगाड़ कराएंगे। तो अब जो है धोखा बिल्कुल नहीं होने देंगे, इसलिए हमने क्या किया है, ये जग जो है वापस से खाली कर दिया हुआ है। यहाँ पर ना आप जब इसमें दूध लेते हो, आप सबसे पहले यहाँ पे नजर मारना, यहाँ पर जो है ये 0-0 है, वेट बिल्कुल 0 है। अब इसके ऊपर मैं यहाँ पे जग डालूंगा, ये आप देख सकते हैं, ये मैंने जग डाला। अब इसका वेट जो है 730 ग्राम बता रहा है, बिल्कुल 730 ग्राम है। अब हम ऊपर से दूध डालेंगे, इसके ऊपर वेट जो है, वेट भी साथ साथ में मैच होगा, लेकिन हम इसका वेट जो है वो वेइंग मशीन से भी मैच करेंगे। तो 1 लीटर दोबारा से डालते हैं भैया, आप कार्ड कर देना 50 का, एंटर कार्ड कर देना 52 का, नहीं नहीं कर दो, कैंसिल कर दो, ये आ गया लीटर, 1 लीटर एंटर एंटर। तो ये 1 लीटर दूध जो है अब वापस से आ रहा है, और आप ऊपर वॉल्यूम चेक कर सकते हो, ये बराबर 1 लीटर जो है दूध निकला है, ठीक है? और अब इसको जो हम वेइंग मशीन से चेक करेंगे, ठीक है? देखो वेइंग मशीन ले आओ, अंदर ले चलो, इसमें डाल दो। अच्छा इसमें डाल दोगे, ये बढ़िया है। देखो पूरा चेक करेंगे हम अच्छे से, और आपको भी नजर आएगा कि मशीन ने, एटीएम मशीन ने बराबर, अब जब हम पैसे निकालते हैं एटीएम मशीन से वो तो हमें पता है कि बराबर गिन के आते हैं, हमें गिनने की भी जरूरत नहीं है, लेकिन अब जब ये दूध निकलेगा तो क्या ये भी बराबर निकलेगा, वो देखने वाली बात है। और अब हम करेंगे इसका वेट, और वेट आ रहा है 1 kg 26 ग्राम, यानी कि लीटर ही पूरा है। तो मुझे नहीं पता लीटर और किलो बराबर नहीं होता, थोड़ा सा तो फर्क रहता है, और ये ज्यादा ही है, तो ठीक है, बढ़िया है, मतलब आप कोई धोखा जो नहीं कर रहे हो, बराबर दे रहे हो। बिल्कुल सर, चलो बढ़िया, दूध तो देख लिया हमने, वापस से एटीएम मशीन के पास जाके बाकी बात करेंगे। तो दूध तो हमने देख लिया, मिल्क एटीएम से बिल्कुल प्रॉपर निकल रहा है, और 1 लीटर है, तो 1 लीटर ये वेटिंग मशीन पे जाके भी चेक कर लिया। और मुझे लगता है कि ये पूरे जम्मू में जो है सिर्फ एक ही मिल्क एटीएम आपको मिलेगा, जो कि मिलेगा त्रिकुटा नगर में। प्रॉपर एड्रेस हम भैया से पूछेंगे, भैया प्रॉपर एड्रेस बताओगे आप क्या है? प्रॉपर एड्रेस भैया ये है सेक्टर 3 त्रिकुटा नगर पार्क के सामने, बिल्कुल सेक्टर 3 त्रिकुटा नगर पार्क के सामने BMD का आपको आउटलेट मिल जाएगा, जहां पर आपको बाकी भी चीजें मिलेंगी, लेकिन ये मिल्क एटीएम भी मिलेगा। आप कभी भी अगर आप जम्मू में हो ना, सारी दुकानें बंद है, आपको नहीं लग रहा कि दूध कहां से मिलेगा, तो एटीएम यहां पे आके जो आपको मिल लेगा, और ऊपर से प्योर काऊ मिल्क मिलेगा। और प्योर मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर सुनने में आया, जैसे कि उन्होंने कहा कि सुबह रश बहुत होता है, लोग पूरा त्रिकुटा नगर जो है यहीं से मिल्क एटीएम से ही दूध लेते।